दोस्तों 22 जनवरी वही दिन है जब राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए देश की बड़ी बड़ी हस्तियों को न्योता मिला है। कहा जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि कार्यक्रम के लिए 3000 VIP लोगों को न्योता दिया गया है, जिसमें मुकेश अंबानी से लेकर रामदेव बाबा जैसी हस्तियों के नाम शामिल है। वही सुनने में आ रहा है कि बड़ी बड़ी हस्तियों को भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता दिया गया है। इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार जैसी हस्तियों के नाम शामिल है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बॉलीवुड के तीनों खान सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान को न्योता नहीं मिला। बता दें जहां बड़ी बड़ी हस्तियां इस ऐतिहासिक पल की गवाह बनने वाली है, वहीं बॉलीवुड पर दशकों से राज करने वाले खानों को इसके लिए इनवाइट तक नहीं किया गया है। अब तीनों खान को न्योता क्यों नहीं दिया गया, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में अयोध्या से जुड़ा एक दिलचस्प चमत्कार भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों अयोध्या नगरी एक बार फिर से दुल्हन की तरह सजा दी गई है। अयोध्या वासियों के साथ साथ देश भर के हिंदुओं को इंतजार है उस दिन का जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होगा। एक तरफ तो देश भर में हिंदुओं को इस बात की खुशी है कि आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर उसी जगह बनाया गया जिस जगह के लिए इतना संघर्ष किया गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। भव्य श्री राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है। इस समारोह के लिए 7000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। दोस्तों मीडिया के गलियारों में इस तरह की खबरें काफी वायरल हो रही है कि साल 2019 में जब अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, तब बॉलीवुड की कई हस्तियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तापसी पन्नू से लेकर विवेक ओबराय तक ने अपनी खुशी जाहिर की थी, लेकिन सलमान खान, शाहरुख और आमिर खान में से किसी ने भी अयोध्या फैसले पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था और ना ही कोई किसी प्रकार का ट्वीट किया था। वही अब जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो खान तिगड़ी को इसके लिए नहीं बुलाया गया। दोस्तों भले ही सलमान, शाहरुख और आमिर को न्योता ना मिला हो, लेकिन श्री राम जन्मभूमि में राम उद्घाटन के लिए अमिताभ बच्चन को बुलाया गया है। खबरों की माने तो सदी के महानायक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को भी न्योता मिला है, जिसकी जानकारी उन्होंने इंस्टा स्टोरी के जरिए दी है। वहीं माधुरी दीक्षित को भी राम मंदिर के उद्घाटन में आने का न्योता दिया गया है। इस लिस्ट में अक्षय कुमार का नाम भी शामिल है, वो भी समारोह में आएंगे। वहीं संजय लीला भंसाली और राजकुमार हिरानी को भी बुलाया गया है। इसके अलावा रोहित शेट्टी भी इस भव्य समारोह में दिखाई दे सकते हैं। बॉलीवुड के अलावा साउथ की बड़ी बड़ी हस्तियों को भी श्री राम जन्मभूमि में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया गया है। दरअसल साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को भी इस भव्य समारोह में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा साउथ एक्टर धनुष को भी आने के लिए न्योता मिला है। वहीं फिल्म कांतारा के एक्टर ऋषभ शेट्टी को भी इस खास समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। वहीं साउथ के कई दिग्गज सुपरस्टार जैसे मोहनलाल और चिरंजीवी को भी इस भव्य समारोह में शामिल होने का न्योता मिला है। वहीं अब इस लिस्ट में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का नाम भी शामिल हो गया है। इस कपल को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिल गया है। इसकी तस्वीर भी जारी की गई है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को अलग अलग इन्विटेशन मिले हैं। कपल की कार्ड लेते हुए एक फोटो भी वायरल हो रही है, जिसमें दोनों इनविटेशन कार्ड लिए हुए स्माइल करते नजर आ रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र टूरिस्ट ने एक समारोह में मशहूर टीवी सीरियल रामायण के उन कलाकारों को भी आमंत्रित किया है जिन्होंने भगवान श्री राम और माता सीता की भूमिका निभाई थी। भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल और माता सीता का अभिनय करने वाली कलाकार दीपिका चिखलिया भी समारोह में शिरकत करेंगे। वही दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राम मंदिर के लिए पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट ने समारोह में शामिल होने के लिए क्रिकेट जगत के दिग्गज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, पूर्व कप्तान विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को भी आमंत्रित किया है। दोस्तों बॉलीवुड और क्रिकेट जगत के दिग्गजों के अलावा उद्योगपति गौतम अडानी समेत 3000 VVIP लोगों को खास तौर पर इनविटेशन दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 50 देशों से एक एक प्रतिनिधि को आमंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। वही दोस्तों 1992 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 50 सेवकों के परिवार के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा देश के न्यायाधीशों,
वैज्ञानिकों, लेखकों और कवियों को भी आमंत्रण पत्र भेजा गया है। दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा है कि VVIP को बार कोड पास के जरिए एंट्री दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आमंत्रित 7000 लोगों में से करीब 4000 लोग देश के धार्मिक नेता होंगे। हालांकि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला है। इनमें NCP चीफ शरद पवार और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे शामिल हैं। इसके अलावा हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी अयोध्या के लिए निमंत्रण नहीं मिला है। जानकारी के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जिन नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया, उनमें विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया और राम मंदिर आंदोलन के अगुआ रहे विनय कटियार जैसे नेता भी शामिल हैं। बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को समारोह में शामिल होने का बुलावा नहीं मिला है। अब दोस्तों, अयोध्या के बारे में हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। बता दें, 22 जनवरी अब ज्यादा दूर नहीं है और इसके बारे में तो पूरे भारतवासियों को कई समय से जानकारी है कि 22 जनवरी को रामलला की स्थापना होगी। लेकिन इसी बीच एक विषय काफी चर्चाओं में है। अब इसको संयोग बोले या फिर कुछ और, वो आपके ऊपर है। बता दें, अभी अचानक से ये जानकारियां सामने निकल कर आ रही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में गिद्धों और भालुओं का झुंड आ गया है। सभी के मन में एक ये प्रश्न है कि आखिर ये गिद्ध और भालू कहां से अचानक अयोध्या आ गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब इस वक्त अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं गिद्ध और भालू। कुछ अयोध्या वासी इन्हें जटायु और जामवर जी का वंशज मान रहे हैं। अयोध्यावासी मान रहे हैं कि ये 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए हैं। ये श्री राम की ही लीला है। बता दें, आज के कल युग में गिद्ध और भालू बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। ये चिड़िया घरों में ही दिखाई देते हैं। पहाड़ी इलाकों में भी गिद्ध या भालू बिल्कुल ना के बराबर ही देखने को मिलते हैं। इनकी प्रजातियां लगभग विलुप्त होती जा रही है। गिद्धों और भालुओं को देखकर लगता है कि अयोध्या में दिव्य शक्तियां बराबर काम कर रही है। दोस्तों, बता दें, जटायु रामायण के वो पात्र हैं जिन्होंने माता सीता को रावण से बचाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी, और जामवत रामायण के वो पात्र हैं जिन्होंने पूरी रामायण में भगवान राम का मार्गदर्शन किया। वो जामवत ही थे जो भगवान राम को हर कदम पर अपने सुझाव देते थे और उनके दिए गए सुझाव भी एकदम सटीक होते थे। दोस्तों, बता दें, इस समय वैश्विक स्तर पर अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को देखने के लिए लोग उत्सुक हो रहे हैं और वैश्विक स्तर पर लोग अयोध्या आना चाहते हैं। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि किन किन देशों से लोग अब भारत में अयोध्या का रुख करते हैं। दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं जब भगवान राम महल में विराजमान होंगे। इस समारोह में इंसान तो इंसान लेकिन कई जानवर भी आने वाले हैं। इनमें जटायु और जामवंत जी के वंशज तो पहले ही अयोध्या पहुंच चुके हैं और अब सैकड़ों बंदर भी राम मंदिर के इर्द गिर्द लगातार घूम रहे हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि भगवान राम की सेना में असंख्या वानर शामिल थे जिनकी सहायता से भगवान राम ने लंका पर विजय पाई थी, और आज के समय में बंदरों को उसी वानर सेना का प्रतिरूप माना जाता है। यूं तो अयोध्या में बंदरों का जामवाड़ा देखने को मिलता ही रहता है, लेकिन अचानक प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतनी बड़ी संख्या में अयोध्या में बंदरों का झुंड कहां से आया, वो सोचने वाली बात है। वैसे राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। धन्यवाद।